अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जायका फूड दस्तरखान। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा क्रीमी वाला मटर पनीर ग्रेवी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अच्छा, तो मैंने ये जो लिए हैं टमाटर, ये लिए हैं सब्ज़ी के बराबर, मेरी लगभग आधे किलो के बराबर सब्ज़ी है, 200 ग्राम पनीर है और 250 ग्राम के करीब मटर है। तो ये ले लिया है मैंने, और तो ये टमाटर भी मैंने उसी बराबर के हिसाब से लिए हैं, और दो छोटी मीडियम साइज़ की प्याज ली है, ना बड़ी ना छोटी। इसको मैं रफली कट कर लूँगी, जैसे कट कर लेते हैं ऐसी रफली कट कर लिया है मैंने इनको, प्याजों को। दोनों प्याज इसी तरह से कट कर लेंगे, जैसे भी आपको अच्छा लगे, थोड़ा मोटा मोटा काटें या थोड़ा बारीक काटें, रफली काटना है बस ये। और अब जब ये रफली कट हो जाएंगी तब मैं एक कढ़ाई में ऑयल रख दूँगी गर्म होने के लिए, थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल देंगे। और ये थोड़े से गरम मसाले लिए हैं, दालचीनी का टुकड़ा है, काली मिर्च है, लौंग है और हरी इलायची और एक तेज़पत्ता। और फिर उसके बाद में जब ये चीज़ें चटक जाएंगी, ज़ीरा भी चटक जाएगा, तब मैं ये प्याज डाल दूँगी, फ्लेवर तेल में आ जाएगा इन गर्म मसालों का। तो ये प्याज डाल दें और प्याज को हल्के मीडियम फ्लेम पे इसको रख दें फ्राई होने के लिए। इनका हमें कलर कुछ नहीं बदलना, बस थोड़ी देर फ्राई होने के लिए रखना है। जब तक ये प्याज हो रही है तो मैंने जो टमाटर थे वो कट कर लिए, इनको काट लूँगी मैं टमाटरों को। 4 से 5 टमाटर थे, ये लगभग आधे किलो के बराबर होंगे टमाटर, सभी को इसी तरह से काट लूँगी रफली। और देखें प्याज भी थोड़ी थोड़ी हो चुकी है, मीन्स भुजक चुकी है ये प्याज। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी और हरी मिर्चें, दो हरी मिर्चें मैंने 2 ली हैं, आप चाहें तो 2 से 3 ले लें या 4 कर लें, जितनी भी आपको स्पाइसेस खानी है। और ये तेज़ वाली हरी मिर्चें तो इसलिए मैंने 2 ली हैं। और 6-7 कली लहसुन की और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल दूँगी और इसको ढक के कुछ देर के लिए मैं इस तरह से कर लूँगी इसको चटनी की तरह, ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएँ, हरी मिर्ची जो लहसुन है वो सब चीज़ें सॉफ्ट हो जाएँ। और इसके अंदर गरम मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, और जब हम ग्राइंड करेंगे इन्हें तो ये बहुत ही अच्छी स्मेल के साथ हमें ऊपर से डालना नहीं पड़ेगा। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और इसी पैन में मैंने ठंडा होने के लिए इसको रख दिया। जब ये ठंडा हो जाएगा, ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ लेकिन इतना है कि मैं पीस लूँगी, इसको ग्राइंडर जार में पलट दिया है और इसको एक मैंने प्यूरी बना ली है, इसकी मसाला बना लिया इसका। और अब वापस से उसी कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है, और ऑयल के अंदर जो हमने ये मसाला पीसा था ये सब इसके अंदर डाल देंगे और इसको भुनने के लिए रख देंगे। अब इसके अंदर, इसके साथ साथ ही इसके अंदर सूखे स्पाइसेस ऐड करने, तो वो मैं ऐड कर दूंगी। तो इसमें मैंने आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी और थोड़ा सा धनिया का पाउडर, ये एक छोटे छोटे चम्मच डाल दिए। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे भी चाहें वैसे डाल दें, क्योंकि ग्रेवी तो हमने इससे ही बनानी है जो हमने मसाला भुना था, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का। और इसको ढक के कुछ देर के लिए भूनने के लिए रख दें। जब तक ये भुनेगा, मैंने पनीर कट कर लिया, ये 250 ग्राम पनीर है, 200 ग्राम को मैं इस तरह से कट कर लूँगी और बाकी को मैं हाथ से मैश करूँगी। हमें क्रीमी वाली ग्रेवी चाहिए तो इस वजह से मैं इसमें ये डाल रही हूँ पनीर हाथ से क्रश करके। अब देखिए ये मसाला इस तरह से हो रहा है, तो मैं ये जो हाथ से जो मैंने मैश किया था पनीर को, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ताकि बहुत अच्छा क्रीमी सा फ्लेवर आ जाए इसका। जब हम इस तरह का मसाला भूनते हैं तो इसकी छींटे ऊपर तक आती हैं, तो ध्यान से करें। और ये मैंने थोड़ा सा दही ऐड किया है, ये खट्टा दही नहीं है, लेकिन इससे भी बहुत अच्छा क्रीमी और मसाला बहुत अच्छा बनेगा, इसलिए मैंने दही ऐड किया है। 4 चम्मच के करीब दही है ये, और थोड़ी सी क्रीम ऐड की है। अभी मैंने 4 चम्मच ली थी टोटल, 2 चम्मच अभी डाल दी है, 2 चम्मच आप चाहें तो सर्व जब सर्व करेंगे तब डाल सकते हैं, आपके ऊपर है, चाहे तो सारी अभी डाल दें। और इसको भी सब चीज़ों को एक साथ भुनने के लिए रख देंगे जब तक तेल जो है ऊपर नहीं आ जाता, तब तक इसको ढक के भून लें या फिर खुला करके ऐसे भून लें। और जब इसमें थोड़ा सा एक उबाल आ जाएगा तो इसके अंदर मटर ऐड कर दें,
फ्रोजन मटर है ये, थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया था इसको, और ढकने के बाद ये देखिए तेल ऊपर आ गया, अच्छे से भून गया ये। एक बार चला लें अच्छे से, और चलाने के बाद इसके अंदर जो पनीर कट करके किया था वो डाल दें। पनीर को आप किसी भी शेप में डाल सकते हैं कट करके, और थोड़ा सा और ढक दें इसको ताकि इसके अंदर बहुत अच्छा सा ऑयल ऊपर आ जाए, ग्रेवी अच्छी सी दिखाई दे। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को पहले तवे पे क्रश कर भून लें और हाथ से क्रश करके इस तरह से डाल दें, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। गरम मसाला मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने ऑलरेडी तेल के साथ फ्राई किया था और ग्राइंडर में पीस लिया था मसालों के साथ, तो इसलिए गरम मसाले की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो छोटी भर डाल भी सकते हैं, और ऊपर से चाहें तो हरी मिर्च हरा धनिया डाल दें, लेकिन मैंने इसी तरह से बनाया ये बस। अब ये रेडी हो चुका है बनके, अब मैं इसको सर्व करूँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये देखिए इसका टेक्सचर, आप चाहें तो इसे पूरी पराठा या रोटी के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं तो ये बहुत ही मज़े का लगेगा। मैंने इस तरह से बनाया कि बच्चे बड़े सभी को ये पसंद आएगा। हल्की मिर्चें हैं और जी ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी है, क्रीमी है, तो ये बहुत ही मज़े का बना था। आप इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलना। और आप चाहें तो इसे पूरी के साथ खा लो, पराठे के साथ खा लो, किसी भी चीज़ के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। इसको क्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं आप, ऐसे भी बिना क्रीम के साथ भी इसको सर्व कर लें तब भी अच्छा लगेगा। ये मैंने पूरियों के साथ सर्व किया था, ये देखें इसका टेक्स्चर बहुत ही मज़े का बना था। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और अपना फीडबैक में देना मुझे मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।